नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जन सेवा टीवी पर। आज गांव बागल में संकल्प यात्रा, जो भारत सरकार है, बीजेपी सरकार, उसके द्वारा संकल्प यात्रा चलाई गई है, जिसमें गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाता है, लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। आज ये संकल्प यात्रा पहुंची है गांव बागल में। यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से विभाग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन सब की जानकारी लेंगे और लोग यहाँ पर क्या क्या समस्याएं लेकर पहुंचे हैं उनसे भी बात करेंगे। लगभग हर विभाग, जो जो सुविधाएं भारत सरकार द्वारा दी गई हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसी की भी कोई भी समस्या है, उसका निपटारा यहीं पर ऑन द स्पॉट करने की बात कही गई है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए लोगों से बात करेंगे और जो विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी बात करेंगे कि हाँ, कौन कौन सी सुविधाएं हैं और उनका लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हम शुरुआत पहली स्टॉल, यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है, पहली से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सबसे बात करेंगे। तो अभी चलते हैं आगे। सबसे पहले आप ये जो वैन खड़ी है इसको देख सकते हो, यहाँ पर डॉक्टर पहुंचे हुए हैं, अंदर मरीजों का चेकअप किया जा रहा है, उनको दवाइयां दी जा रही हैं। आप देख सकते हो नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या है, इसमें ये जो वैन है, ये जहां पर लोगों के पास सुविधाएं नहीं है उन तक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टरों की टीम खुद वहां पर पहुंचती है। है जी अंदर कोई बात करने वाला? अच्छा, हाँ हाँ, वीडियो बना लो इनकी, ये तो फ्री। तो देखते हैं अंदर जाके करेंगे बात। आप देख सकते हो यहाँ पर मरीजों की चेकिंग की जा रही है और बैठ जा, ये देख सकते हो उस साइड से एंट्री और इधर से एग्जिट। तो बात करेंगे से। हाँ जी, करोगे बात? बोलिए, उनसे करेंगे। मैडम से बात करेंगे। अरे यस, मैडम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम अर्श है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचसी गुला से हूँ। जी मैम, मैम जो ये स्कीम चलाई गई है, क्या नाम है स्कीम का? ये मोबाइल मेडिकल यूनिट है। जहाँ तक कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते, तो हम कुछ दवाइयाँ जो भी जरूरत की होती है इसमें उस एरिया तक जाते हैं और वहाँ के लोगों को दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। तो कितने टाइम से चल रही है मैम ये? तो चलती रहती है, मतलब कभी नहीं रुकती है। जैसे अब कब से शुरू हुई है स्कीम, ये योजना कब से शुरू हुई है? पिछले एक साल से। अब तक आपने कहाँ कहाँ विजिट की? विजिट सभी गांव में, गुला क्षेत्र के। क्या लग रहा है कि हाँ, ये जो स्कीम चलाई है योजना सक्सेसफुल होगी? हाँ जी, हो भी रही है। अभी यहाँ पे भी कुछ लोग कहते हैं कि पीएचसी दूर पड़ती है, सीएचसी दूर पड़ती है, हम वहाँ पे दवाइयाँ लेके लेने जा नहीं सकते, तो इसलिए हमें भी बेनिफिट है कि उन लोगों तक दवाइयाँ पहुँच पा रही हैं। अगर बात करें दवाइयों की, हाँ, तो यहाँ पर हर प्रकार की दवाई उपलब्ध होगी कैसे? हाँ जी, जो एसेंशियल मेडिसिंस होती हैं कि जरूरी हैं, खांसी जुकाम बुखार की, नॉर्मल जो बीमारियाँ होती हैं उन सब की दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। और अगर कोई ऐसी बीमारी जिसका टेस्ट करवाना हो, जैसे? हाँ जी, ब्लड टेस्ट, निरोगी हरियाणा नाम से जो स्कीम चली हुई है उसमें निरोगी बेनिफिशरीज के टेस्ट भी किए जा रहे हैं, सीबीसी के, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है। आपकी वैन में भी उपलब्ध है? हाँ जी, यहीं पर तुरंत हो जाता है। हाँ जी, यही हम ब्लड सैंपल लेते हैं, हमारी सीएचसी पे उनका टेस्ट होता है, फिर उनकी रिपोर्ट आती है। थैंक यू मैम। थैंक यू। आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है। ये यहाँ पर बिजली विभाग से कुछ अधिकारी बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, आपका शुभ नाम? राहुल यादव। राहुल यादव, ये बिजली समस्या समाधान किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या समस्या है, इनका समाधान यहीं पर हो सकता है? बेसिकली ये है कि जैसे लोगों का 20-20 हजार रुपए बिल आ रहा है, वो ये चाहते हैं कि बोला जी कम भरवा दिया जाए, तो पार्ट पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो केवाईसी के जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो बैंक से रिलेटेड है,
वो भी हम उनका सोल्यूशन करवाने लगे हैं। लेकिन ये सारे की सारी ऑनलाइन पॉलिसीज हैं। जैसे मान लो किसी ने अपना नाम चेंज करवाना है तो वो अपने अटल सेवा केंद्र पे जाके ठीक है और चेंज ऑफ नेम की फाइल अप्लाई करें। मेरे पास अभी जो जो कंप्लेंट्स आई है वो सारी इसी तरीके की आई है। सर कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं उनसे मिला था, कह रहे बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसका भी समाधान हो रहा है? हाँ हाँ, अगर आपका ना ऐसा कुछ नहीं है, बिल बकायदा चेक करा जा रहा है, उसमें क्या दिक्कतें हैं वो हम उनको बताने लग रहे हैं और उनका जो सोल्यूशन है वो हम इनको बताने लग रहे हैं। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं कि मैं भी ये मार दे चुका हूं, मेरा बिल था 605 उसके बाद तुरंत बिल आ गया 58,000 रुपए। वहाँ गया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि माफी आ रही है, आप 1400 मैंने भर दिए, मेरे पास कोई भी कार्य हो गया। ऐसे करके ना तो मीटर उतारा ना वो बिल सेट हुआ, वो बिल पहुंच गया 1,00,000 से ज्यादा। अभी आपका 1,00,000 रुपए बिल बन गया, 1,00,000 से भी ज्यादा मीटर उतार के ले गए। हाँ हाँ, एक साल से मैं घूम रहा हूँ, वो स्लिप लेकर भी बिल लेकर भी मेरे घर पे दोबारा मीटर नहीं लगाया गया। मैंने फाइल लगा रही है अपनी वाइफ के नाम से, दीपिका के नाम से, लेकिन जब हमारा मीटर उतरा था तो लगभग 14 मीटर हो गए थे हमारी बस्ती में। आपकी? हाँ जी। आहा। बाकी सबके लग चुके हैं, या तो कुछ ले दे के लगे हूँ, लेकिन मैंने कुछ न लिया न दिया, बस मैं वो 1400 की स्लिप लेके घूम रहा हूँ कि मैंने तो माफी भर रखी है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बेसिकली क्या है, डिफॉल्टिंग प्रीमिसेस पे हमारा कनेक्शन देना नहीं बनता। अब आप अपने खुद ये कह रहे होगी जी मेरा 1,00,000 रुपए का बिल बकाया है, ठीक है, तो जो प्रीमिसेस होती है एक बार जब वो डिफॉल्टिंग अमाउंट डिक्लेयर हो गया कि इस प्रीमिसेस के ऊपर 1,00,000 रुपए डिफॉल्टिंग अमाउंट है, ठीक है, तो वहां कनेक्शन नहीं दे सकते। रही बात दूसरा जो आपका ग्रीवेंसीज है, दूसरी ग्रीवेंसीज में आप ये कह रहे हो कि बोला जी मेरा जो बिल था वो गलत था, वो एक बार चेक करवा लिया जाएगा कि उसमें क्या दिक्कत रहेगी, वो करेक्शन जो थी वो 1400 से सीधा 58,000 रुपए बिल कैसे आया? 605 रुपए से। और वो मैंने वहाँ पर चेक करवाया, वो कह रहे हैं जो हमने पहले अधिकारी रखा हुआ था वो बिना देखे यूनिट ऐसे ही लिख देता था, अब जो अधिकारी है ये कह रहे मोबाइल में वो सही यूनिट आई है डाउनलोड होके, थोड़ी गलती होगी सर, तो अधिकारी को गलती है ना, उसका काम ही आ जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भूलतेगा, और आपको जो भी ग्रीवेंसीज है वो आपके एड्रेस करी जाएंगी। हाँ, पड़ेगा सर इसके लिए आप एक बार अपना जो पुराना बिल है वो उसका अकाउंट नंबर वगैरह बता दो, दफ्तर में जाके एक एप्लीकेशन दे दो बिल करेक्शन की, ठीक है, और वो पर्सनली मैं इसका मॉनिटर करूंगा कि हाँ भाई काम हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ इधर है, ले लीजिए जो इधर कार्यालय है समाज कल्याण अधिकारी कैथल, सर से बात करेंगे। नमस्कार। हमारा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, हम पेंशन बना रहे हैं जी, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली पेंशन, बोना पेंशन, ये हमारी स्कीम में है 13। अच्छा, इसकी पेंशन बना रहे हैं। बुजुर्गों की पेंशन है वो तो फैमिली आईडी पे डिपेंड होगी। हाँ, फैमिली आईडी पे अगर हम गाइड भी कर रहे हैं भाई, किसी का ऑनलाइन नाम नहीं आ रहा है, जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं आप, हम इनको गाइड कर रहे हैं भाई, आपका वोट कार्ड हो या आपका स्कूल का कोई जन्म प्रमाण पत्र हो तो उसको फैमिली आईडी में चढ़वाओ, तो फैमिली आईडी में चढ़ा के जैसे ही नाम चढ़ेगा रिकमेंड होकर चंडीगढ़ से आएगा, हमारे पास नाम आया तो हम बुला लेते हैं या गाँव में जाते हैं, गाँव जाके पेंशन बनाते हैं। कई बार सर ऐसा भी होता है कि आप भेज देते हो नाम वेरीफाई के लिए, लेकिन जहाँ पर भी आप भेजते हो बीएलओ के पास या कहीं भी, वो उनको सूचना नहीं देता है, वो तो जानकारी कैसे मिल सकती है सर? वैसे सीधा डायरेक्ट नहीं हो सकता कि अगले के फोन पे मैसेज पहुंच जाए? वो तो एडीसी ऑफिस में पता लगे जी, जैसे फैमिली आईडी वाले बैठे हैं एडीसी ऑफिस में, उनसे पता करो भाई कि मेरा नाम वेरीफाई हो रहा है या नहीं, मेरी उम्र वेरीफाई हो रही है या नहीं, ठीक है, अगर वेरीफाई नहीं हो रही तो वोटर कार्ड लेके जाओ या कोई डॉक्यूमेंट उम्र से संबंधित है तो वेरीफाई करवाओ वहाँ जाके। एक सवाल होता मेरा। हाँ जी, किसी ने मेरे से पूछा था जो विधवा पेंशन है। हाँ, कोई है विधवा महिला है। हाँ, लेकिन वो अपने ससुराल से आई हुई है यहाँ पर। अच्छा, 5 साल से यही रह रही है। हाँ, एक बेटा भी है। हाँ, तो उसकी पेंशन का कोई प्रावधान है या नहीं है? हाँ, पेंशन बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, विधवा पेंशन भी। उसके पास नहीं है डेथ सर्टिफिकेट, नहीं है उसका सर, डेथ सर्टिफिकेट कोई प्रावधान हो, कोई प्रोसीजर हो? नहीं, डेथ सर्टिफिकेट तो चाहिए जी, उसके बगैर नहीं बनेगा। थैंक यू सर। हाँ जी।
आगे देखते हैं सर से बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? जिला कल्याण विभाग। जिला कल्याण विभाग, क्या क्या काम कर रहे हो सर आप? हमारे पास एक कन्यादान की स्कीम है, मकान की रिपेयर की है, बच्चों की स्कॉलरशिप की है, एट्रोसिटीज की स्कीम है हमारे पास। बाबू में बताऊं, माफ करना, मकान रिपेयर की शमशेर था, अब और वो रामा शेर आराम मकान है जो रिपेयर हो गए हैं और डिटेल में आते हैं, उसके लिए आप प्रोसीजर क्या क्या चाहिए? उनका पहले प्रार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है और जिनका मकान कच्चा पक्का है और वो अपने मकान के मालिकाना हक का प्रमाण देंगे, तब जाके वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद सर्वे होता है, यदि वो एलिजिबल होता है तो उनको बेनिफिट दिया जाता है, अदरवाइज नहीं। सर, अगर मकान कोई नया बनाया और वो किसी आपदा के कारण फट जाए, टूट जाए, उसका भी कोई है? नहीं, ऐसा सरकार की दिशा निर्देश अनुसार 10 साल पुराना मकान होना चाहिए। 10 साल पुराना मकान तो है लेकिन लेंटर पार्क है, लेंटर वाले को नहीं है, जिसका मकान कच्चा नहीं है उनका नहीं है। यदि मकान को बने हुए 10 साल से ज्यादा समय हो गया और उसकी खस्ता हालत है तब उसको बेनिफिट दिया जाएगा। कितना मिलता है सर वैसे? 80,000 रुपए दिया जाता है। थैंक यू सर। आगे देखते हैं, सर से बात करेंगे। नमस्कार सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एक तो सारे यहाँ हम जो CRM के फार्म है उनको यहीं प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, यहीं पर एट अ टाइम यहाँ हमने 15 से 20 फार्म यहीं अटेम्प्ट कर लिया जो 1,000 रुपए इंसेंटिव दे रहे हैं। जो किसान आग नहीं लगा रहा ना उसको 1,000 रुपए प्रति, उनको 1,000 रुपए एकड़। ये ऑनलाइन यहाँ जमा हो रहे हैं, उनके अकाउंट में आएंगे ये 15 से 20 दिन तक आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये PM किसान जो मोदी वाले 6,000 रुपए सालाना आते हैं उनकी समस्या का हल कर रहे हैं। हाँ जी, वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के हाथ में, वो रिवेन्यू पटवारी वगैरह उनके तहसीलदार यही होंगे, आगे होंगे। ओके, आगे देखते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट है। सर बैठे हुए हैं। नमस्कार सर, ये लगाना सर। सर के पास है जल विभाग, लगा दीजिए। हां जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, ये जल विभाग की तरफ से कोई स्कीम आई है? ये हम जो है गांव के जो बच्चे हैं स्कूल के या गांव के जो ग्रामवासी हमारे डेस्क पे आए हैं उनको हमने वाटर कंजर्वेशन और जल जीवन मिशन के बारे में बताया कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है, कि हर घर में नल से जल जो है सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, वो प्रयासरत है और दे रही है और गाँव में जो है काम चला हुआ है, यहाँ पाइपलाइन का सीवरेज का चला हुआ है काम। है वाटर कंजर्वेशन पे और जल जीवन के बारे में छोटे बच्चों को, ग्रामीणों को जल बचाने के लिए, कि हमारे लिए जल का जीवन में बहुत महत्व है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, इसके बारे में जो है लोगों को जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी साहब से बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है। नमस्कार सर, ये लगा लोगे? लगा लो। आया नहीं अपडेट करवा। कौन सा विभाग आपके पास है? परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र, मतलब कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है? हाँ जी, फैमिली अलग करवाने की समस्या है सबसे ज्यादा। नहीं बनवानी हो बन जाएगी सर, अगर ना बनी हो तो बन जाती है। अगर अलग करवानी हो किसी ने, अगर बिजली के 2 मीटर है तो हो जाएगी सर। बिजली मीटर होना जरूरी? हाँ, बिजली के 2 मीटर होने जरूरी है सर। इसके लिए सर यहीं पे हो जाएगा या कहीं और पहुंच जाएगा? यहीं हो जाएगा सर, अभी हो जाएगा। अभी हो जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। बिजली भी लगा दिया। करते हैं सर से बात। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। सर सबसे पहले तो इसमें पशुपालन विभाग किसानों एवं अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमें लेके आया है, जिसमें हम डेयरी पालन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 2 भैंसों और 3 भैंसों पर 50% की सब्सिडी है और वैसे ही अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए भेड़ एवं बकरी के लिए
15 प्लस एक यूनिट होती है, इसमें 15 भेड़ या बकरी तथा एक मेंढा या ले सकते हैं, जिसमें हमको 98,000 का लोन मिलता है और 90% की सब्सिडी होती है। जैसे सर जो लोन है जी, जब बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो लोन बनता नहीं है सर, उसमें जो बैंक होता है वो बैंक अपनी निर्धारित प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करता है, उसमें आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, इसमें अगर सिबिल स्कोर सही होता है तो बैंक अवश्य लोन देता है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के दिशा निर्देश हैं, उनको भी बैंक फॉलो करते हैं। सर जैसे मैंने देखा है, मैं अपनी बात करूं जी, तो ये तो चलो कृषि से संबंधित हो गया, वैसे मुद्रा लोन भी दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा जी। सर इस पर तो फिर बैंक की अधिकारी टिप्पणी कर सकते हैं, हमारा तो पशुपालन विभाग है। सर इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता ना, हमारे विभाग की तरफ से तो लोन हो रहे हैं और हमारे विभाग के लक्ष्य भी पूरे हो चुके हैं इस वर्ष के। तो थैंक यू सर जी जी। आपका सर कौन सा विभाग है? रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय जी, नमस्कार सर। बेरोजगारी भत्ता की स्कीम है जी, क्या चल रहा है सर? बेरोजगार भत्ता के तहत 12वीं वालों को 900 रुपए, बीए वालों को 1500 और एमए वालों को 3000 पर मंथ मिलते हैं। सर इस बार जैसे इस बार की बात करूंगा, श्री प्रमोद इस बार पर मंथ पैसे नहीं आ रहे हैं सर, वो थोड़ा टाइम लग रहा है, उसमें चेक करना होता है ना हर एक उसका कैंडिडेट का, उसके हिसाब से टाइम लगता है सर, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। दो तीन महीने आ भी डाले हमने, दो तीन महीने का से आते हैं, हाँ कई इकट्ठे आ जाते हैं, इसलिए टाइम लगे। कोई ना सर, थैंक यू। इधर है, नमस्कार सर। नमस्कार सर, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है सर जी, राशन कार्ड जी सर, जी सर। हाँ जी बिल्कुल है जी, बीपीएल और WWY राशन कार्ड धारकों के लिए राशन की वितरण की स्कीम है जी। बीपीएल परिवारों को जी 5 किलो पर मेंबर मिलता है राशन गेहूं, 1 किलो चीनी और 2 लीटर तेल सरसों का। जिसका WWY का राशन कार्ड, उनको 35 किलोग्राम गेहूं, 1 किलो चीनी और 2 लीटर सरसों का तेल जी। हाँ कितने भी हों जी, हाँ जी WWY में 35 किलो और बीपीएल में पर मेंबर 5 किलो जी। नहीं बस इसमें जी इनकम देखी जाती है जिसकी बिल्कुल ही कम है, पहले तो ये था कि 1 लाख से कम है जिसकी, लेकिन अब ऑनलाइन बन रहे हैं जी चंडीगढ़ से ही अपने फैमिली आईडी के आधार पर ही, उनको बीपीएल बना देते हैं जिसकी 1 लाख से 1.80 के बीच में है और 1 लाख से कम वाला को WWY। हाँ जी, इनकी पूरी 1 लाख दे रखे, वो 1 लाख पूरी ऐसी उतनी स्लैब होती है सर, ये जैसे 50,000 से 75,000, हाँ उनको WWY बना दिया जाएगा जी। अगर सर वो WWY नहीं बना तो उसके लिए क्या करना होगा? रिक्वेस्ट डलवानी होती है सर फैमिली आईडी के लिए CSC सेंटर से, वो कुछ दिन बाद हफ्ते 10 दिन बाद अपने आप अपडेट हो जाता है सर। हाँ जी धन्यवाद। जिन से बात करते हैं सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, क्या स्कीम है गैस की? गैस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो भी बीपीएल कार्ड धारक है या पीला कार्ड धारक है, जिसने अभी तक उस परिवार में कोई भी गैस नहीं ली है, उसके लिए फार्म भरे जा रहे हैं ऑन स्पॉट, उसको सिस्टम में डाल के चेक किया जाता है, यदि पास हो जाता है साथ के साथ कनेक्शन अलाट कर दिया जाता है, साथ के साथ कर दिया जाता है। उसके तहत एक सिलेंडर है, कापी रेगुलेटर है, पाइप है और एक चूल्हा है। थैंक यू सर। अब तक कितने कनेक्शन हो चुके हैं ऐसे गांव बागल में? बीपीएल के 753 कनेक्शन हो चुके हैं जो फ्री में दिए गए, फ्री में दिए गए हैं। थैंक यू सर। इधर अलग अलग विभागों से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे ही बात करेंगे। इधर सर बैठे हुए हैं, नमस्कार सर। कौन सा डिपार्टमेंट है सर आपका? यूनियन बैंक। क्या स्कीम है सर? सर बैंक का क्या योजना है जो आप लेकर आए हो? हाँ जी सर, क्या योजना है सर? सर हम पब्लिक की कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, अगर कोई आता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी यहाँ पे, किसी भी प्रकार की लोन से वगैरह या एनिमल हस्बेंड्री से कोई भी एप्लीकेशन आई होगी, पूछेंगे कि क्या हुई है या नहीं हुई है, हुई नहीं तो हम बताएंगे किस वजह से नहीं हुई है, वो देखा जाएगा जी। ये सिर्फ यूनियन बैंक का है? ये PNB वाले बैठे हैं जी। अच्छा, PNB वाले ही बैठे हैं, यूनियन वाले बैठे हैं। सर एक सवाल था, अगर किसी को लोन लेना है जैसे मुद्रा लोन हो गया, उसके लिए क्या प्रोसीजर है सर? मुझे तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर से, इसके
आपके लिए क्या क्या स्कीमें हैं सर एग्रीकल्चर? सर एग्रीकल्चर का मोस्टली तो केसीसी का करते हैं हम ज्यादा, तो किसानों का मतलब ग्रामीण भागों में ना, तो केसीसी और ये भैंसों के ऊपर भी लोन देते हैं। भैंसों के ऊपर लेना है तो वो जो एनिमल हस्बेंड्री वाला डिपार्टमेंट है, ये अंत्योदय स्कीम है, दो स्कीम है, तो इसमें से कस्टमर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और फाइल बैंक के पास आती है, फिर हम प्रोसेस करते हैं उसका। बैंक फिर क्या करता है उस पर? समाधान करते हैं कैसे? जी बिल्कुल, अगर मान लो उसका कोई रिपोर्ट सिविल रिपोर्ट सही हो और उसके पास भैंस हो तो वो फील्ड विजिट करके हम लोन उसका पास कर देते हैं। जी सर ये सब्सिडी वाला है तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें सर, सब्सिडी टाइम से आती नहीं, मान लो 4-5 महीने लगते हैं। ये कैटेगरी वाइज होता है सर, जैसे जनरल के लिए 25% सब्सिडी है, एससी एसटी के लिए 50% सब्सिडी है, 50% भरना। हाँ हाँ थैंक यू सर। आगे देखते हैं सर का कौन सा डिपार्टमेंट है। हेलो सर, हेलो सर, सर ये नेहरू युवा केंद्र है, ये यूथ के लिए जैसे 15 से 29 साल के जो यूथ है ना उनके लिए एक सरकार ने पोर्टल बनाया माई भारत के नाम से, उनका रजिस्ट्रेशन जैसे कोई भी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, जैसे एडवेंचर कैंप हो गया, यूथ फेस्टिवल हो गया, गर्ल्स के लिए सिलाई कढ़ाई वाला होगा, उनका रजिस्ट्रेशन करना है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके नंबर पे मैसेज आएगा वहीं से पता हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन सर यहीं पर भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं या हमसे करवा सकते हैं? आज आप यहाँ पर बैठे हो? हाँ जी, आज आपने किया किसी का? हाँ जी मैंने बहुत 8-10 किया, साइट नहीं चला जी, 2-4 का हुआ है। हाँ जी, मतलब इतने आपके पास आ चुके हैं? हाँ जी हाँ जी। चलिए थैंक यू सर, वेलकम। आगे सर हैं हमारे कोच साहब, नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? कौन लगाना हमारे साथ हैं कोच साहब सुंदर दत्त जी, इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप यहाँ पर? हाँ जी बैठे हुए हो, अब तक कितने लोग आपके पास पहुँच चुके हैं जिन्होंने आपसे कुछ भी जानकारी ली हो? हमारे पास अभी 8-10 व्यक्ति आए हैं जिन्होंने खेल से संबंधित जानकारी ली। जैसे सर अगर खेलों की बात करें तो खेलों में बच्चे गांव बागल से, हाँ जी, कितने बच्चे जाते हैं स्टेडियम में? 60-70 बच्चे ऑलरेडी वहाँ हर टाइम रहते हैं। हर टाइम तो आप ही कोचिंग दे रहे हो वहाँ पर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे सर अगर खेलों के बारे में बात करूं मैं स्कूल की, यहाँ स्कूल में ही बच्चे खेलते हैं, तो उनको वहाँ पर बुलाने के लिए आपने उनको जागरूक करने की कोशिश की या कैसे की है? मगर यहाँ की अलग यूनिटी है, मतलब उन्होंने वहाँ आना पसंद नहीं कर रहे। सर क्या कारण हो सकता है? वैसे एमएलए साहब के जाने के बाद मैं आपको बता दूंगा पर्सनली कारण। थैंक यू सर। तो हमारे विधायक साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं। से बात करेंगे। नमस्कार सर, किसी के भी लेंगे, अपने घर आएंगे। नमस्कार सर, हेल्थ डिपार्टमेंट है। सर हमारे पास आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने यहाँ लोग पहुँचे। आयुष्मान कार्ड? हाँ जी। जिनका नहीं बना उनका बन रहा है? नहीं, जिस मान ले यहाँ 17 कार्ड पेंडिंग थे जो, उनमें से 11 ने एक्टिवेट हो चुका है और अभी 6 पेंडिंग है जो बनाने लग रहे हैं। यहाँ पर जिसका नहीं बन रहा वैसे उनका तुरंत बन जाता है कैसे? हाँ तुरंत बन जाता है। वैसे सर ये भी देखा गया है कि जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, हाँ जी, कई बार वो काम नहीं करते हैं, अगर हम जाके वहाँ पर हॉस्पिटल में यूज करें तो फिंगर वगैरह नहीं आते, पता नहीं क्या बात है, अपडेट भी करवा दिए जाते हैं। नहीं सर ऐसी कंप्लेंट हमारे पास तो अभी तक कोई आई नहीं है। सर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आयुष्मान कार्ड का सही से प्रयोग हो रहा है? हाँ जी सही हो रहा है जी, हमारे पास ऐसी कोई पेंडिंग रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है। आयुष्मान के अंदर जिसने भी लाभ लिया नहीं उसको प्रॉपर लाभ मिल रहा है और जिसने भी ट्रीटमेंट करवाया है वो भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लोग। सर ये भी सुनने में आया कि हॉस्पिटल में जब जाते हैं वो कहते हैं कि 1000 रुपये रोज कैसे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, ऐसा तो आयु कार्ड में सर वो स्कीम है जो 1500 रुपये एक साल के भरने पड़ते हैं, जिसकी इनकम 3 लाख से कम है, 1.80 से 3 लाख है। 1.80 से 3 लाख, क्योंकि सर मैं खुद गया था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भतीजा एडमिट था। हाँ जी, उन्होंने खुद कहा है कि आपको दवाइयाँ तो बाहर से लेनी पड़ेंगी
हमें तो आयुष्मान कार्ड वाले एक दिन का 1000 रुपए देते हैं, करें बाकी आपको देने पड़ेंगे। ये सही है गलत है? नहीं सर, ऐसी न्यूज हमें तो नहीं सुनी सर। तो सर मेरा खुद का भतीजा एडमिट था। हाँ जी सर, वो तो ठीक, आपकी बात ठीक है। के बावजूद भी उसके फिंगर नहीं आए, पता नहीं क्या गंदा है। आधार कार्ड भी अपडेट करवा लिया, सब कुछ अपडेट करवा लिया। हॉस्पिटल वो पैनल में है या नहीं अपने को जांच करनी चाहिए पहले जाने से पहले। भी है सर, वो सरस्वती मिशन हॉस्पिटल है सेवा, उन्होंने यही कहा था कि जैसे जैसे मरीज एडमिट होता है और उसको जब डिस्चार्ज होता है तो उसको साथ में दवाई देते हैं 15 दिन की, वो फ्री होती है, उसके बाद दवाइयाँ को पे करना पड़ता है मरीज को। अगर इन नियमों का कोई हॉस्पिटल पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है सर? उसमें टोल फ्री नंबर होता है, जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है नीचे टोल फ्री नंबर होता है 1800 कुछ है ऐसा नंबर है, उस पर कंप्लेंट कर सकता है कस्टमर कोई भी। थैंक यू सर। तो हमारे भाई खड़े हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे क्या समस्या इनकी। सर मेरी बात ये है, बिल के मैटर था मेरा मीटर का, 1.5 साल पहले मेरा मीटर फटा था, ठीक है जी। मेरा टोटल बिल था 76,903, ठीक है जी। तो मैं गया था गोला बिजली बोर्ड में, तो उन्होंने मैं बिल अपने किसी के कहने से गया था वहाँ पे, वहाँ मेरे को मिला एक प्रवीण सीढ़ा और एक मंजू मैम, जो जिसके पास हमारा टेंडर था बागल का, तो उन्होंने बोले मेरे को भी आप 60,000 रुपये भर दो आपका मीटर लग जाएगा। आपने 60,000 भर दिए? हाँ जी हाँ जी। तो मैंने 60,000 रुपये भर दिए, तो 60,000 भरने के बाद उन्होंने मेरी फाइल लगवा दी, जो उन्होंने काम करना तो किया ना, PDCO वगैरह होती उन्होंने की नहीं, ठीक है जी, जिसमें मेरी बिल माफी आती। तो उन्होंने मेरे 60,000 रुपये भरवा के उन्होंने मेरी अपनी फाइल लगवाई, 1.5 महीने के बाद अपना मेरी फाइल है जो कैंसिल होगी, उसमें मेरा जो है बिल बकाया दिखा रहा है अभी 16,903 हाँ। उनके कहने से मैंने 60,000 रुपये भराया, अगर वो बोलते भी आपने पूरा बिल भरना है तो मैं पूरा भरता, ठीक है जी। तो उन्होंने जो कह के मेरे से बिल भरवाया है तो उसे मेरा काम करवाया जाए। सर से बात करेंगे एक बार, थोड़ा साइड होना। सर जो भाई की समस्या है ये, इसका समाधान क्यों नहीं हुआ सर? भाई इसकी मैंने जो भी ग्रीवेंसी है वो सुनी है, इनका जो फिलहाल 76,000 समथिंग बिल बकाया है, और ये कह रहे हैं बोलो जी हम आपके दफ्तर में गए थे SDOC का वाले दफ्तर में, इन्होंने प्रवीण सीडा जो लेजर की पर उनसे बात करी, उन्होंने उसको कहा कि 60,000 रुपये आप भर दें आपका मीटर लगा दिया जाएगा, ये इनका कहना है। लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि जब तक आपका प्रीमिसेस पे डिफॉल्टिंग अमाउंट खड़ा है आप वहाँ कनेक्शन नहीं दे सकते। फिलहाल है इसका 76,903 रुपये बकाया, ठीक है, जब तक ये बंदा इतने पैसे नहीं भर देता कनेक्शन देना पॉसिबल नहीं है। और सर जो ब्याज माफी वाली स्कीम है, ब्याज माफी वाली स्कीम जो है वो ये कहती है कि आपका 1,00,000 रुपये से कम तो इनकम होनी चाहिए, अभी फिलहाल जो अंत्योदय फैमिली स्कीम आ रही है सेटलमेंट स्कीम के नाम से, दूसरा 150 यूनिट्स पर मंथ की उसमें कंजप्शन होनी चाहिए। अगर आप इन दो पैमानों पर खड़े उतरते हो तो आपका जो मैक्सिमम बिल भरवाया जाएगा वो 3600 रुपये भरवाया जाएगा। मतलब सर यहाँ पर मैं सहमत नहीं हूँ, अगर 150 यूनिट हमारी मिलने की आ रही है तो वो तो कोई मुश्किल नहीं किसी के लिए भरना, 150 यूनिट का थोड़ा सा बिल बनेगा तो वो लोग क्यों रोकेंगे? जब एकदम से मीटर जंप करता है ज़्यादा बिल आया तब उनका बिल अटकता है, तो उसका क्यों नहीं समाधान हो रहा है कुछ भी? वो बिल का समाधान 2 बिलिंग साइकिल्स के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। आप जैसे ही आपको ये लगे कि हाँ भाई एवरेज का मेरा बिलिंग आ रही है, आप दफ्तर में जाएं अपनी एप्लीकेशन दें। अब जैसे मान लो किसी का मीटर ख़राब है, वैसे तो हमारे पास डिफॉल्टिंग अमाउंट मीटर फॉल्टी की लिस्ट आती है और हमारे जो टीम है जो लाइनमैन स्टाफ है वो उनको रेगुलरली चेंज करता रहता है। लेकिन अगर किसी भी कोई ग्रीवेंसीज का रह गया, उनको क्या करना है कि आप दफ्तर में जाके एक एप्लीकेशन दे देंगे, बोले जी ऐसे ऐसे मेरा जो बिल है वो एवरेज का बना है और उसको सेट राइट करवाया जाए। लेकिन लोग क्या है कि 5-5 साल तक तो गौर ही नहीं करते, ठीक है, फिर उनका बिल बनता रहता है ना वो भरते हैं। अभी एक केस आया था मेरे पास, उसने 5 साल से बिल नहीं भरा, 2,00,000 रुपये उसका बिल आउटस्टैंडिंग खड़ा है। अब वो चाहता है कि मेरा मीटर पट गया और मेरा जी नया मीटर लगा दिया जाए, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। वैसे सर अगर इसकी बात करें, इसने 60,000 में भर दिए तो ये थोड़े से पैसे रह रहे हैं, कैसा नहीं हो सकता इनका मीटर लग जाए बाद में भर दे ऐसी स्कीम किस्तों में भरे जाते हैं बिल? तो कई बार किस्तों में बिल जो है, मान लो जैसे इसका अगर डिफॉल्टिंग अमाउंट पे प्रीमिसेस पे मीटर नहीं उतरा होता, 6 मंथ के अंदर अगर ये RCO का एक टाइम पीरियड भी होता है, हम 6 मंथ के अंदर RCO करवा सकते हैं अपना पूरा बिल भर के। लेकिन इस बंदे ने कुछ काम नहीं करा, 76,000 रुपये इसका बिल बकाया है,
16 इसको 60,000 भर दिए। वो ये कह रहा है कि बोलो जी मैंने प्रवीण सीढ़ा से, अरे महकमा तो ये कहता है कि 76,903 रुपए भरो। वो तो जो उन्होंने जिनके पास आप बात ऐसा है, आप लेजर कीपरों के पास जाके अगर बात करोगे ना, जिस जो काम है जो से पूछने का है वो आप लाइन मैनों से पूछोगे तो काम होगा क्या आपका? देंगे ना कहीं जाने के लिए तभी जाएंगे ना एसटीओ के पास, वो बोल रहे हैं भाई खुद एसटीओ बन रहे हैं। चलो कोई बात नहीं सर, अब क्या समाधान है इसका? भाई समाधान ये है, इसके 16,903 रुपए जो बकाया है ना वो ये भरते, और अगर हाँ इनकी एक ग्रीवेंसी है कि जो मेरा मीटर फॉल्टी हो गया था और उस वजह से ये ज्यादा बिल आ गया, तो वो एक बार इनकी एप्लीकेशन पे हम चेक करवा लेंगे कि क्या मामला था। हाँ जी, बैठे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा, सर से बात करेंगे कि क्या स्कीम है। नमस्कार सर, धान लगानी है। भारत संकल्प यात्रा ये आपने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ, आपका कौन सा विभाग है, क्या क्या आप काम करते हैं? ऐसे जी ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और हरियाणा सरकार के संयुक्त प्रयास से हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हरियाणा में चल रही है, और इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार हैं, गरीब परिवार में जो महिलाएं हैं उनको जोड़कर स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। इसके तहत सर क्या उनकी कोई फाइनेंशियल सहायता की जाती है, क्या किया जाता है? बिल्कुल सर, इसमें सबसे पहले तो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उनको ग्रुपों में जोड़कर उनको सबसे पहले उनको बचत करने, क्योंकि गरीब आदमी जो है वैसे बचत नहीं कर सकता, समूह से जुड़ के वो छोटी छोटी अपनी बचत वो कर सकता है। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी और बैंक की तरफ से भी उनको लोन के तौर पर आर्थिक सहायता यानी उनको दी जाती है। सर ये भी सुना है कि इस स्कीम के, इस योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्रकार का जो भी हमारे बेरोजगार अनएम्प्लॉयड पढ़े लिखे युवक और युवतियाँ हैं 18 से 35 साल की जिनकी उम्र है, तो उनको हम अन्य विभागों से टाई अप करके उनका जो जिस प्रकार का वो प्रशिक्षण चाहते हैं उस प्रकार का प्रशिक्षण हम उनको दिलवाते हैं। ये जो प्रशिक्षण होता है ये निःशुल्क होता है? बिल्कुल सर, ये सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क, यानी कि वहाँ पर रहने का खाने पीने का भी ये सरकार की तरफ से वहन किया जाता है। थैंक यू सर। और ये भी आगे आप देख सकते हो प्रदर्शनी लगी हुई है, यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है तो मैम से बात करते हैं कि क्या है ये प्रदर्शनी, क्यों लगा रखी है, क्या उद्देश्य है? सर ये महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टॉल है और इसमें हमने जो प्री स्कूल भी दिखाया हुआ है और जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं वो दिखा रखी है, जो बच्चों के लिए बच्चों को हम सिखाते हैं उनको दिखा के रंगों का ज्ञान, फलों का ज्ञान करवाया जाता है, तो इस तरह से उनके हैंडमेड टॉय पेपर से या फिर जैसे कि ये हमने बनाया हुआ है ऊन से, वो कपड़े से बनाया हुआ है, इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को सिखाने के लिए कि किस तरह सिखाई जाती है वो बना के डिस्प्ले की गई है, और साथ के साथ हम अपने विभाग की जो दो स्कीम है मातृत्व वंदना योजना और आपकी बेटी मेरी बेटी, उसकी जानकारी भी लोगों को दे रहे हैं ताकि हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स की जानकारी है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग उनका लाभ उठाए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सर ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसका अब सेकंड वर्जन लॉन्च हुआ है जो PMMVY 2.0 के नाम से, और पहले इस स्कीम के अंदर केवल गर्भवती महिला जो पहली बार गर्भवती होती थी चाहे वो किसी भी कास्ट की हो उसको गवर्नमेंट की तरफ से गर्भावस्था देखभाल और शिशु देखभाल के लिए 5,000 रुपये सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दिए जाते थे, और अब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है जिसके अंतर्गत पहले बच्चे पे तो लाभ है ही है, अगर दूसरे गर्भावस्था में बेटी पैदा होती है तो उसके लिए भी 6,000 का लाभ गवर्नमेंट जो है वो दे रही है, और ये पोर्टल के थ्रू जो है इसका रजिस्ट्रेशन होता है इन फॉर्म्स का जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर करती है, और उसके बाद जो है डिटेल फिल करने के बाद सरकार की तरफ से 6,000 रुपये सेकेंड बेटी के लिए और फर्स्ट बेटी के लिए 5,000 रुपये महिला बाल विकास के थ्रू और जननी सुरक्षा योजना के थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 1,000 रुपये दिए जाते हैं। सर वो इसका एक ये प्रोसेस है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर रजिस्टर करेगी बेनिफिशियरी को, उसके बाद सुपरवाइजर के पास वेरिफिकेशन के लिए जाता है, देन CDPO अप्रूवल, देन वो SNO के पास जाता है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन अगर सही होगी तो साथ के साथ ही इसकी जो है अकाउंट जो आधार बेस्ड अकाउंट है उसमें जो है बेनिफिट बेनिफिशियरी को मिल जाता है। थैंक यू सर।
तो जो मैम ने भी अभी स्कीमें बताई हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे भी पहली बेटी पैदा हुई थी तो मेरे को दोनों स्कीमों का लाभ मिल चुका है। तो आगे देखते हैं।